दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी शॉपी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन ओपन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, अगर आपके मोबाइल में भी शॉपी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शॉपी एप्लीकेशन पर कोई भी अपडेट आया तो यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। तो क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन को अपडेट न करने की वजह से भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है। तो फिलहाल मेरे शॉपी पर कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपके शॉपी पर कोई भी अपडेट आया है तो ओपन की जगह अपडेट पर क्लिक करते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है अपडेट हो जाएगी। इसके बाद शायद से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाओगे और मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है शॉपी एप्लीकेशन को सर्च कर लेना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सभी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है शॉपी एप्लीकेशन सर्च करने के बाद आपको इस ऐप पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस, आपको सिंपली फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैच पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर से क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही इस एप्लीकेशन का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा और सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आप अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, आपकी शॉपी एप्लीकेशन की सारी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। अब जो है आपके मोबाइल में बड़ी आसानी से शॉपी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आप शॉपी एप्लीकेशन में ओपन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।